नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे चैनल के ऊपर आप तमाम दोस्तों का स्वागत है। भाई साहब, जवान के क्रेज को देख के संजू बाबा भी बोल पड़े और उन्होंने कहा है कि भाई साहब, जवान जैसी फिल्में बहुत ही ज्यादा कम बनती है और यहाँ पे कम टाइम के अंदर ऐसा रेस्पॉन्स जो कि यहाँ पे जवान को मिल रहा है ऐसा किसी भी मूवी को नहीं मिला है। पठान का रिकॉर्ड भी जवान तोड़ सकती है और जिस तरीके से SRK ने इस मूवी को लेके मेहनत की है, जैसे उन्होंने खुद बोला था कि ये मेरे करियर की सबसे बड़ी फिल्म है, तो ऐसे में यहाँ पे भैया संजू बाबा भी बोलते हैं कि ये मूवी एक बहुत बड़ा धमाका होगी बॉलीवुड इंडस्ट्री को जिंदा करने के लिए। जिस तरीके से शाहरुख खान ने पठान से स्टारडम लिया था, वो यहाँ पे जवान के साथ और भी 100 गुना इनक्रीज हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे मास मसाला मूवीज जो है वो शाहरुख खान एक के ऊपर एक यहाँ पे देते जा रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पे जो है वो ये बॉलीवुड के लिए काफी ज्यादा अच्छा है और शाहरुख खान के साथ काम करना मेरी भी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है, जो कि यहाँ पे संजू बाबा भी जाहिर करते हैं। और ऐसे में यहाँ पे जो जवान का क्रेज है वो भी कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, जहां नजर जाती है वहां यहाँ पे जो है वो जवान का ही क्रेज नजर आता है। यहाँ पे दूर से अभिषेक किया जा रहा है तो दूसरी तरफ बुक माई शो के ऊपर अच्छी खासी रेटिंग्स मिल रही है और यहाँ पे बुक माई शो के ऊपर भी लोग इस मूवी को अच्छे खासे वोट भी दे चुके हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवीज के अंदर भी जवान रैंक कर रही है और ट्विटर के ऊपर भी जवान का हैशटैग काफी टाइम से ट्रेंड कर रहा है। और ऐसे में यही वो चीजें होती है जो कि किसी मूवी को ब्लॉकबस्टर बनाने में काम आती है। तो इससे जाहिर है कि भाई साहब जवान एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसको सेलिब्रेट किया जाएगा और जिस तरीके से इस मूवी को सेलिब्रेशन के अंदर में देखने को मिल रहा है ये चीजें कम नजर आती है। बाकी इस यहाँ पे मूवी को लेके आपका ओपिनियन क्या है, कितना कमा सकती है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट और देखना चाहते हैं सब्सक्राइब FFU। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया कंटेंट के साथ। आपका ख्याल रखिएगा। हमें इजाजत, हरे कृष्णा।